गाइस वेलकम टू द व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ देवास माता जी का दर्शन करने के लिए मेरे सभी दोस्तों के साथ। तो तुम्हारा को मेरे दोस्त भी दिखा देता हूँ। एक ये लेटा पड़ा, एक ये ऊपर लेटा पड़ा हुआ है, एक ये यहाँ पे बैठा हुआ है, और बाकी जो दो बच्चे हुए हैं उसमें से एक ये खड़ा है। और जो ही कहाँ गया जोगी जी, आप अंदर हो? जोगी जी प्लीज बाहर आइए। और एक ये रहा, वॉशरूम के अंदर चला गया था। ए नीचे मत जा, वॉशरूम बड़ा अच्छा है, लोकल से तो बहुत अच्छा है। चीज बताओ, ये देखो क्वालिटी है, क्वालिटी है, क्वालिटी है हमारे पास। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे देवास जंक्शन पे। अब यहाँ से जाएंगे हम यहाँ पे टेकरी पे, बोली टेकरी दिखा दे। पूरे जंक्शन से ही देवास टेकरी दिख रही है। यहाँ से टेकरी ज्यादा दूर है नहीं, तो रिक्शा वगैरह करने की जरूरत है नहीं, हम यहाँ से सीधे पैदल पैदल ही चले आएंगे। भाई साहब क्या लग रही है माता जी अभी, जय मांबे। एकदम भाई बहुत बहुत मस्त लुक आ रहा है यहाँ से देखने में। अभी इन लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि रास्ते में कि इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते आना है या किस रास्ते से जाना है, तो अंकल से पूछ लिया। चलो लगता है कंफर्म हो गया कि इसी रास्ते से जाना है। चलो भाई क्या हाल है। यहाँ पर आके ना मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं यहाँ पे पिछली बार आया था घूमने के लिए माता जी का दर्शन करने के लिए, जब भीड़ ज़्यादा थी, और इस बार ना भीड़ है नहीं, बहुत कम है। लेकिन उस बार ये था कि मैं हाँ दो तीन दिन में आया था नवरात्रि, जब दो तीन दिन थे, और अभी लास्ट डे आज हाँ 12 बज गई, तो अब लास्ट डे ही है नवमी का। तो सामने थोड़ी बहुत भीड़ है जो कि जा रही है यहाँ पे। भीड़ घंटा भीड़ नहीं है, देख भीड़ आ रही है। हाँ भीड़ आ रही है, बट हाँ ये वो मतलब वो लग नहीं रही कि हाँ ये भीड़ है। या फिर हो सकता है कि मैं ही किसी दूसरे रास्ते से आया हूँ कि जिससे मेरे को भीड़ देखने को भी नहीं मिली। अब जैसे कि लाइन में आ गए हैं, तो हम लोग दो दो के ग्रुप बना के चल रहे हैं। ये दो शॉर्ट ब्लॉक, ये दोनों। थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, लेकिन अब कुछ ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। पहली बार आया हाँ, तो मोहित से ज्ञान ले, मोहित बताया तो मोहित ज्ञान दो इसको। ऐसे जाएंगे धीरे धीरे, गोल गोल घूमते घूमते, स्पाइरल रहता है स्प्रिंग सरी का, ऐसे घूमते ऊपर पहुंच जाएंगे चोटी पे, फिर वैसे रिटर्न घूमेंगे ऐसे नीचे आ जाएंगे। शॉर्टकट आना था तो मैं शॉर्टकट से भेज सकता हूँ, ऊपर नहीं भेज सकता, ऊपर से नीचे भेज सकता हूँ शॉर्टकट, ठीक है? आपको जो सूटेबल लगे वो मुझे बता देना। चिल्लाई क्यों रहा है? हमारे जो जूते चप्पल है ना सारे अभी इस पोल के नीचे रख दिए है, देखते हैं बाद में याद आज लौट के आते समय उठा लेंगे इस पोल से। अभी ये आगे निकल गए हैं, तो चलो भाई तुम क्यों रुके हुए, चलो। माँ शेरवानी आरती, सारे भाई साहब आ गए ना। वीआईपी कौन सा भाई? कोई वीआईपी नहीं, तो तीन लाइन है ना, लाइन चला रहे। वो देख ना, कोने वाली लाइन में थोड़ा कम है, सेकंड वाली लाइन में ज्यादा, फिर थर्ड लाइन में उससे भी ज्यादा हो गए। तो ये लोग नहीं घुसे ना? अच्छा हाँ, हो सकता है कि वो वाली लाइन से दर्शन पास में से हो जाए। मोटर नहीं ले रहा मेरे। तो
मोबाइल अंदर रखो भैया जी, हमने रालो ओ मोहित। अब हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई दौड़ जूते ढूंढने के लिए, जो हमने यहाँ पे पोल के पास उतारे थे। अब उसको देखना है कि वहाँ पे हमारे जूते चप्पल वापस मिलते हैं या नहीं मिलते। वैसे मिल जाने चाहिए भैया, अपन भी मंजन मार देंगे। अभी तो इतने सारे पोल देख के समझ ही नहीं आ रहा कि जूते उतारे कहाँ पे थे। अब आने वाले तो फाइनली हमारे को जूते मिल चुके हैं। ये रहे, चल अपनी सैंडल उठाओ। मेरे को तो अपनी सैंडल पहनना है। चल कूदो एक एक करके, जल्दी कूदे। अबे भीड़ तो आती रही, कूद 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 जल्दी कूद। ये देख जोई को देख, वाओ आदमी आ गया कूद के, बस गिरते गिरते बच गया भाई। राहुल लेके आना दो कप, फ्री चाय फ्री चाय फ्री। कैसे उतर यहाँ पे, फ्री चाय भी मिल रही है। थैंक्स। भाई बात तो वैसे सही हो रहा था, चाय में मजा तो बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा भाई। ये चाहिए, ये दिखाओ दिखाओ चाय। सौरभ जैसे की तरह चाय दिखा के मेरे हाथ में ढोलेगा। चाय पी के आ गई भाई वापस से तंदुरुस्ती। आज की भर चुकी है वदन में। नहीं यादा अब चलेगा भाई, कहाँ चले अब। देख रेट टेप पे शूज 1400-1400-1300 ऐसे आते हैं। आपको मैंने कितने बड़े ब्रांड के शूज दिए, आप कितनी बातें कर रहे हो। अरे यहाँ से चलना कहाँ ही होता पहले। उज्जैन चलो ट्रेन पकड़ो। पक्का पक्का। कितने बजे है? 2:30 की है, 3 बजे वाली ट्रेन में बैठते हैं। ये ट्रेन है 3 बजे। अरे तेरा भाई है ना, टुकड़ा मिल जाएगा पर ले जाएगा उज्जैन जाके छोड़ेगा। टुकड़ा में ले जाएगा पर उज्जैन ले जाके छोड़ेगा। टुकड़ों में लेके जाएगा लेकिन उज्जैन ले जाके छोड़ेगा। चलो नहीं है ट्रेन कोई भी ट्रेन नहीं। वाओ कोई भी ट्रेन नहीं है यहाँ से देवास उज्जैन के लिए। नहीं सुबह है अभी नहीं है, 6:28 पे तो 6:28 पे इतनी सुबह है ना, अपन रात भर क्या करेंगे अभी। चल अभी घूमते अभी मजे लेते, वो भोपू खरीद लेते। हाँ ए भोपू खरीद लेते और बजाते उसको। सामने से पुलिस वाला आके बोलेगा ले इधर आ, मैं तेरा भोपू बजाता हूँ। छीन लेते और तोड़ देते। तो गिर में गया था, गिर में ये गया था भाई, कैसे भोपू छोड़ के तोड़ रहे थे जो छीना। ले बजा 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 के लेके घूम रहे, जहाँ मुंह चला रहे झापड़ के चल। भाई कहाँ से मिली चाय? चाय 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 भाई वापिस चले गए चाय पीके। यहाँ से मस्त सीन दिख रहा है एकदम टेकरी का। अरे तुम्हारे भी आना चाहिए ना गरबा खेलने के लिए, क्या कर रहे हो यार तुम? जाके करोगे क्या? अरे यार भैया तो उससे ज़्यादा देख भाई अब आए हैं तो थोड़ा बहुत घूम के चलेंगे। कहाँ घूमे बताओ ना। खेलता मैं तो बोल रहा, चलो घर में खेलेंगे। अरे भाई
अब आने वाले डांस होगा क्योंकि यहाँ पे अब दो तीन घंटे नाचने के बाद ना हम थक चुके हैं पूरी तरीके से और अब हम सीधे जाने वाले हैं रेलवे स्टेशन। अगर बीच में कोई होटल खुला मिल जाएगा तो वहाँ पे नाश्ता करेंगे, नहीं तो सीधे होटल चलेंगे। और हम अभी सिर्फ चार हैं, दो मेंबर हमारे पहले ही पहुँच चुके हैं यहाँ पे, इसलिए खिला रहा कि वो चूतिया है भोसड़ी के, उनको नाचने से कोई मतलब नहीं है। तेरी गांड में तो मुंगा डाल के दिखा दे डाल दूंगा वो ही बात देख जाए हम लोग, ठीक है देख जाए हम लोग। उनको ही बोला था कि नाचो एंजॉय करो, लेकिन नहीं उनको नहीं करना एंजॉय, क्या मालूम किस लिए आए, इससे अच्छा तो फैमिली के साथ भी आ जाते। अगर आए हो तो यार एंजॉय तो करना चाहिए ना यार, क्या मतलब रह गया आने का। बोले गलत रास्ते पे आ गए हम, बड़ा दुख हो रहा है, नाच तो लिया बहुत, तब क्या करें। एक घंटे से हम जिस रास्ते पर चले जा रहे स्टेशन को ढूंढने के लिए बकेती करते हुए, हमारे को समझ ही नहीं आया कि ये स्टेशन का रास्ता है भी या नहीं, लेकिन अब पता चला कि ये स्टेशन का रास्ता है नहीं, तब वापस मुड़ के दूसरे रास्ते से आएंगे। राहुल मल्लारे की दो घंटे की दो घंटे की नींद सोएगा, उसका डिसाइड करेगा कहाँ जाएगा, जाया नहीं आएगा। मेरे को तो अभी तक नींद नहीं आ रही है, मैं आराम से घूम सकता हूँ सुबह तक। अब तो यहाँ से ना सीधे रोड देखेंगे और सीधे स्टेशन निकलेंगे और वहाँ से इंदौर के लिए ट्रेन देखेंगे, और अगर हमारा प्लान बीच में बदलता है तो यहाँ से हम सीधे उज्जैन चल जाएंगे घूमने के लिए। देखते हैं क्या करते हैं स्टेशन पे आके। तो फाइनली अभी हम आ गए स्टेशन पे, अब यहाँ पे देखना है कि हमारे दो नमूने कहाँ पर है। फोन तो लगाया तो फोन तो दोनों ने उठाई नहीं है, अब क्या मालूम कहाँ सोए पड़े होंगे ये लोग। इसको भी आ रही नींद, आ रही है उड़ गई, उसकी शक्ल देख कर पता चल रहा है कि उसको तो नींद आ रही है। बस ये दोनों जागे पड़े और मैं जागा पड़ा हूँ, और आगे लग रहा है कि ऐसे दोनों पड़े हुए हैं सोए, देखते ये है वही है कि नहीं है। एक तो ये सोया पड़ा, दोनों सोए पड़े भाई। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो, चलो सो आ गए भाई, चलो चलेगा, ले चलो भाई, चल सुन दो उनको, तीनों को सुन दे, अपन चलते हैं। अभी वो तीनों को छोड़ के अब राहुल आ रहा है, राहुल आ गया ये भी आ गया, अब वो भी आ जाएगा। तो चार हो गए, मतलब वो दोनों के दोनों अभी छूटे पड़े हुए, कहीं नहीं जाएंगे अंकल, कहीं नहीं जाएंगे। तो अभी तो रात भर से घूम रहे हैं, तो अभी ना थोड़ा बहुत भूख तो लग रही है, और सामने होटल भी है, तो जा रहे हैं हम अभी नाश्ता करने के लिए। नाचने से आ, लेकिन भाई मजा नहीं, नाचने में सबसे ज्यादा मजा आया है, मूड भी फ्रेश हो गया। अब जो नहीं नाचा वो यहाँ पे आके सो गया, अब सोने से क्या फायदा हुआ, घर जाके सो जाता, इससे अच्छा तो मुझे बाहर आओ, एंजॉय करो, अच्छा हो गया एक नंबर। मोहित भाई को देखो, अभी भी देखो ये रहे मोहित भाई हमारे, मोहित भाई, मोहित भाई क्या है, कोई बोल सकता है क्या, मोहित भाई जा भाई, भाई पहले पूछ लेना इश्क सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना।
कोई कोई बेकार लग रहे हैं देख रहे हो तो लेना पड़ेगा लेगा बेकार दिख रहा है अरे बेकार दिख रहे हो आगे जाना पड़ेगा अपना को आगे चल चलेंगे ना आज छह थोड़ी छह एकदम देखने में यार मजे देख रखा खाते आज देखने में मतलब मजे नहीं आ रहा है पोहे को मजे नहीं देख सब पूछ सकते हैं लेकिन वो भी बहुत पुराना है अच्छा सही बोल रहा हूँ यार वो उसकी वो उसको देख के ऐसा लग रहा है हमारे पास एक और नया मित्र आ गया है जोगी जोगी आपका मित्र तो ऐसा अभी ना 6 बज चुकी है और हम चारों बच्चे सिर्फ 24 मिनट हो चुकी है सर कोई बात नहीं 6:30 बज गई है और हम अभी सिर्फ 4 बच्चे हैं 1, 2, 3 और ये 4 अबे ठंडे पानी से मुंह धुलाएगा पहले ही तो ठंड लग रही है और यहाँ से ना अभी हम सीधे उज्जैन जाने वाले इंदौर नहीं जा रहे हैं उज्जैन जाके वहाँ पर भी थोड़ा सा घूमेंगे उसके बाद जाएंगे इंदौर तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं चलो बाय मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।